सुनाए, उन्होंने एक इतिहास लिखवाया पंडित कालाराम से। उस इतिहास में क्या लिखवाया, उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं लिखवाई है कि जितने भी मुस्लिम आक्रांत आए उनके बारे में ज्यादातर कहानियां। अब 24 जो है टोटल खाप पंचायतें उनके बारे में उस प्रतिलिपि में जो है 24 खाप पंचायतों का जिक्र है कि 24 खाप पंचायतें हुई जिनमें से 16 जो है अकबर से पहले और 8 उसके बाद। उनमें वो क्या लिखते हैं कि 1193 में मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए तो उस वक्त खाप पंचायतें हुई बड़ों के जंगलों और उनसे निपटने के लिए खाप पंचायतें हुई। उसके बाद वो लिखते हैं तैमूर लंग के बारे में लिखते हैं कि वो आए तो उनका मुकाबला करने के लिए बड़ौद के जंगलों में चौगाबा के जंगलों में से खाप पंचायत हुई। तो इस तरह से लिखते हैं। फिर वो लिखते हैं कि बाबर आया हिंदुस्तान में तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए 5000 मीडिया जो है उन्होंने भेजा राणा सांगा के हाथ में। फिर वो लिखते हैं कि 1661 में एक खाप पंचायत होती है जो औरंगजेब ने जजिया लगाया तो उसको कहने के लिए कि भाई ये हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ आप इसको मिटा दो। फिर 1761 में पानीपत की लड़ाई की गई उसमें 22,000 मिलिट्रिया हमने भेजा। मैं बहुत प्रक्सर में बात कर रहा हूँ, टाइम नहीं करते। तो ये जो घटनाएं हैं इनका हिस्टोरिकल कैसे हम इनको देखें। पहली बात यह है कि जो तराई की फर्स्ट और सेकंड जो बैटल हुई वो 1191-92 में हुई तो ये थोड़ा सा एरर जो है मैं बात कर रहा हूँ कि तिथियां कैसे गलत है। दूसरा जो है बाबर के बारे में अगर आप देखोगे तो बाबरनामा में सबके बारे में लिखा है किस किसने राणा सांगा की तरफ से लड़ाई की है, उसमें एक वर्ड भी नहीं है खाप पंचायतों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तीसरा जो है आपको पता है कि औरंगजेब ने जजिया कब लगाया, औरंगजेब ने जजिया 1679 में लगाया और ये खाप पंचायत 61 में हो रही है। तो इस तरह की बातें। फिर पानीपत की जो लड़ाई है उसके बारे में, पानीपत की लड़ाई में आपको पता है कि हमसा अब्दाली अफगान और मराठों के बीच में ये हुई थी और उसमें सूरजमल जाट मुक्त विधान था, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट बैटल, ये रिकॉर्ड कह रहे। और उसके बावजूद हम जब इस तरह की बातें देखते हैं तो हम फिर दूसरी बातें भी करते हैं कि भाई इन्होंने खाली ये जो है सारी खाप पंचायतें मुगलों के बारे में क्यों की है, उससे आगे क्यों की, ये बड़ा गंभीर सवाल है। एक भी कोई खाप पंचायत जो है ब्रिटिश पीरियड में नहीं हुई। 1857 का रिवोल्ट इतना बड़ा हुआ जो भाईजान में पचा पड़ा था उसमें कोई खाप पंचायत नहीं, उसमें जो है दोनों जाट स्टेट जो थी वो तो 1857 में अंग्रेजों की तरफ थी, धौलपुर स्टेट और भरतपुर स्टेट, उसमें मुरासन इजलास और जो है और लालू प्रसाद थे वो भी उधर ही थे। तो कोई खाप पंचायत ने उनको कंडेम नहीं किया, मतलब कोई खाप पंचायत नहीं हो रही। उसके बाद हम ये देखते हैं कि खाप पंचायतों ने का जो है कि इतना एक ब्राइट हिस्ट्री है जाटों का इतिहास जो नहीं इतना बढ़िया इतिहास है उसके बारे में लाइन भी नहीं है कि 1668 से लेकर के 1635 तक जबरदस्त आंदोलन चला अग्रेनियन रिवोल्ट जाटों का जो कृषि विद्रोह जो हुए थे उसमें बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, भजा सिंह, राजा राम, अजय सिंह, चूड़ामन, पदम सिंह और बाद में भरपुर स्टेट बन जाता है, कहीं एक वर्ड भी जिक्र नहीं। गोकुला जाट बाग पब्लिकली भी है 1668 में मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हुआ मथुरा के पास में, वहां पर उसको गोकुला जाट को औरंगजेब ने भी हेडिंग कर दिया, कोई खाप पंचायत नहीं। तो मेरे लिए ये सवाल आता है कि कैसे जो है ये मतलब जो है इनको कैसे सत्य माने इन बातों को। इसके बाद जो है मैं दूसरे पहलू पर बात करता हूँ कि खाप शब्द क्या है, खाप शब्द कहा से है, खाप शब्द जो है उसका जो कोलोकियल वर्ड जो है वो खाप खाप से ये शब्द निकला है, मतलब ध्यान चीज। सबसे पहले खाप खाप के बारे में जो नैन्सी ने लिखा है, अगर आप नैन्सी का प्रज्ञा विगत पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने खापों के बारे में लिखा है कि राठौर राजपूत जो है उनकी खापे कितनी है और उनको कहाँ कहाँ जागरें मिली है। तो जाटों के कॉन्टेस्ट में कहीं भी एक वर्ड भी नहीं लिखा उन्होंने खाप के बारे में। जब मदम सुमारी फर्स्ट टाइम लिखी गई 1890-80 के आसपास राजमार्ग जो है मदम सुमारी, तो
उसमें जो है हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ तो उसमें सबके बारे में खाप लिखा हुआ, हिंदोत्तर की जगह सबको खाप लिखा हुआ है, इतनी खाप में ब्राह्मण, इतनी खाप में गुजर, इतनी खाप में जाट, सबके बारे में लिखा हुआ। तो ये खाप दरअसल जो है, अब मुझे ये देखना है कि इसके बाद किस तरह से खापों के बारे में हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। अब आप देखोगे कि राजस्थानी दस्तावेज जो है बीकानेर में बहुत लोगों ने काम किया है, यानी जाटों पर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन किसी ने खाप पंचायत